हेलो एंड वेलकम टू अकाउंटिंग बेसिक सीरीज। हम आज के इस वीडियो में हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है और कौन सा ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, क्रेडिट और डेबिट को समझा था, पर हमने ये नहीं समझा कि उसकी मदद से हम जर्नल एंट्रीज कैसे राइट करते हैं। और जर्नल एंट्रीज राइट करने से पहले हमें ट्रांजेक्शन देखकर ये पता होना चाहिए कि वो ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट। तो आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो कैश ट्रांजेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए 3 रूल्स हैं। सबसे फर्स्ट रूल हम देखते हैं, अगर किसी ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक वर्ड यूज हो रहा है और किसी पर्सन का नेम इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो ऐसा ट्रांजेक्शन आपका कैश ट्रांजेक्शन होगा। क्योंकि देखिए, कैश ट्रांजेक्शन में सीधा कैश वर्ड यूज होगा और पर्सन का यूज क्यों यूज नहीं हुआ, क्योंकि पर्सन जब इन्वॉल्व होता है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन बन जाता है। क्रेडिट में क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए नहीं कि हमें किसके पास से पैसे लेने हैं, तो वहाँ पे पर्सन का नेम इन्वॉल्व होता है। तो उसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, परचेस गुड्स ऑफ ₹10,000 इन कैश। तो यहाँ पे देखिए, कैश लास्ट में वर्ड यूज हो रहा है और इस ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन का नेम इन्वॉल्व नहीं है, तो ये ट्रांजेक्शन आपका कैश ट्रांजेक्शन है। सेकंड रूल देखते हैं, अगर कोई ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड यूज नहीं हो रहा है और पर्सन का नेम भी इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा ट्रांजेक्शन है वो भी आपका कैश ट्रांजेक्शन है। उसका एक एग्जांपल देखते हैं तो समझ में आएगा, परचेस गुड्स ऑफ ₹10,000। तो इतना सा ही ट्रांजेक्शन है, उसमें ना कैश वर्ड यूज हुआ है ना कोई पर्सन इन्वॉल्व हुआ है, तो ये ट्रांजेक्शन आपका कैश ट्रांजेक्शन है। थर्ड रूल देखते हैं, किसी ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक वर्ड यूज हो रहा है और किसी पर्सन का नेम भी इन्वॉल्व है, दोनों इन्वॉल्व है, तो ऐसा ट्रांजेक्शन भी कैश ट्रांजेक्शन है। क्योंकि देखिए, कैश ट्रांजेक्शन में सीधी बात है कि कैश और बैंक जिस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होगा वो आपका कैश ट्रांजेक्शन ही होगा। उसका एक एग्जांपल देखते हैं हम, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 इन कैश फ्रॉम मिस्टर ए। तो देखिए, यहाँ पे कैश और बैंक वर्ड भी यूज हो रहा है और नेम ऑफ पर्सन भी है, तो ऐसा ट्रांजेक्शन आपका कैश ट्रांजेक्शन है। तो कैश ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये 3 रूल्स हैं। अब हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन में आ जाते हैं, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ एक ही रूल है। तो वो रूल है कि किसी ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन का नेम इन्वॉल्व हो रहा है और कैश और बैंक वर्ड का यूज नहीं हो रहा है, तो ऐसा ट्रांजेक्शन आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अब उसका एक एग्जांपल हम देखते हैं, परचेस गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर बी। तो यहाँ पे देखिए, कैश और बैंक इन्वॉल्व ही नहीं है और नेम ऑफ पर्सन तो इन्वॉल्व है, तो ये ट्रांजेक्शन आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ ये ही एक रूल है। अभी जो मैं आपको की पॉइंट्स दे रहा हूँ उससे आप नोट कर लीजिए, बहुत काम के हैं। कैश ट्रांजेक्शन में एक अकाउंट आपका कैश और बैंक अकाउंट ही होगा, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में एक अकाउंट आपका नेम ऑफ पर्सन होगा। अब उसका मतलब क्या है कि जो कैश ट्रांजेक्शन है उसमें डेबिट और क्रेडिट में से एक अकाउंट आपका कैश और बैंक ही होगा, और जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उसमें एक डेबिट और क्रेडिट में से एक अकाउंट आपका नेम ऑफ पर्सन का होगा। क्योंकि हम जर्नल एंट्रीज राइट करते हैं तो जर्नल एंट्रीज में हम एक डेबिट एंट्री करते हैं, एक क्रेडिट एंट्री करते हैं, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, आपको ये तो पता ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें। जर्नल एंट्रीज के बारे में मैं आगे वीडियो क्रिएट करने वाला हूं, और अगर आपको अकाउंटिंग बेसिक सीरीज चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पूरी प्ले लिस्ट, आप जाके अपना अकाउंटिंग बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।